वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? होप एवरीबडी इज फाइन। तो चलिए बच्चों, आज की शुरुआत करते हैं। मीनू, वेरी गुड इवनिंग। अंकिता, गुड इवनिंग। तो बच्चों, आज आपके लिए जबरदस्त कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, दैट इज बेस्ड ऑन शेक्सपियर। तो आज शेक्सपियर के हम क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। मैं आपको बता दूं कि यस्टरडे वी हैड सम इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्शन वॉज देयर, जो बड़े ही नॉलेजेबल थे, और आज के वर्क में हम उनको एप्लीकेशन में लेके आएंगे। यानी जो कोटेशन हमने देखी थी, जो इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट वी वर गैदरिंग ओवर शेक्सपियर, आज हम देखेंगे कि कैसे उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमारे बनते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपका यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, डीएसएसपी या फिर केवीएस है, इन सब में ही बराबर रोल प्ले करेंगे। चाहे वो आपका छत्तीसगढ़ वाला हो, उत्तराखंड वाला, झारखंड वाला, या बच्चों राजस्थान, आरपीएससी, इन सब में ही बराबर रोल प्ले करेंगे। तो क्या सब बच्चे तैयार हैं? इज एवरीबडी रेडी फॉर द वर्क? मुझे बताएं सब बच्चे, जरा फटाफट बताएं। ऑल राइट, चेतन, राशि, वंदना, वसुंधरा, सुंदरा, एंजल, रवि, श्वेता, बहुत अच्छे बच्चों। चलिए, सभी लोग आ गए, और इसमें आपके मैसेज भी क्विक आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है रवि, तलत, ठीक है जी। मीनू, सरिता, बहुत अच्छे। तो चलो बच्चों, लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। आज हमारे क्वेश्चन, फिर से मैं बता दूं कि बेस्ड है टोटली शेक्सपियर के ऊपर। तो हम इन क्वेश्चंस को शेक्सपियर से, बेसिकली शेक्सपियर के ऊपर इन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए बच्चों, ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर अस इज शेक्सपियर बोर्न एट स्टैटफोर्ड ऑन एवन। स्टैटफोर्ड वॉज द नेम ऑफ द टाउन वेयर ही वॉज बोर्न। सो वट वॉज ओवन? ओवन यहाँ, एवन यहाँ पे बेसिकली है क्या? जो बच्चों हम नाम देखते हैं स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन या अपॉन एवन, ये एवन यहाँ पे बेसिकली क्या है? सी आंसर कह रहे हैं सब बच्चे कि इट इज अ रिवर। इट इज अ रिवर ऑन द बैंक ऑफ विच स्ट्रैटफोर्ड वॉज सिचुएटेड। तो इसी रिवर के ऊपर, इसी वजह से बच्चों इनको क्या कहा जाता है? ही इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। इनको क्या कहा जाता है? बार्ड ऑफ एवन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड भी इनको कहा जाता है, और इनको बार्ड ऑफ एवन भी बच्चों कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये रहा बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू कहता है, हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल? टोटल बच्चों कितने प्ले लिखे गए थे? अब देखो, इसमें आंसर हमारा यूपी के अकॉर्डिंग जाता है 37, क्योंकि वो 37 को ही लेके चलते हैं। बाकी वास्तव में देखे तो हम 38 है। उसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा कि एक यहां पे पेरिकल्स, द प्रिंस ऑफ टायर, पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर, ये बच्चों अधूरा था, प्रिंस ऑफ टायर, दैट वॉज नॉट रिटन कंप्लीटली एट दैट टाइम, दैट्स वाई इट इज एक्सक्लूडेड। इसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो बच्चों यूपी के लिए हम टोटल कितने मानेंगे? 37, बट बाकी एग्जाम्स में हम 38 को ही फॉलो करेंगे, या फिर जैसा भी आपको लगे आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो आंसर हमारा ए या बी में से क्या जाएगा? यूपी में आपको बेसिकली ए ही फॉलो करना है, क्योंकि वो इसी आंसर को करेक्ट मानते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल? टोटल बच्चों कितनी लिखी गई थी? तो आंसर कीजिए सब लोग, हाउ मेनी हैव बीन रिटन बाय हिम? एग्जैक्टली बच्चों, इट इज 154। और मजेदार बात है, इन 154 में से बच्चों 1 to 126 बताओ किसको डेडिकेटेड है, जबकि 127 to 154 जिसमें से 152 तक किसको डेडिकेटेड है, और बच्चों 53 एंड 54 किसको डेडिकेटेड है, जरा बताइए। विलियम हर्बर्ट, यानी पहले वाली बच्चों WH को, है ना, जहां से पता चलता है कि वो एक मेल के लिए लिख रहे हैं, जबकि सेकंड वाले में वो किसके लिए लिख रहे हैं? इट वॉज द डार्क लेडी। इट वॉज द डार्क लेडी। और ये बच्चों डार्क लेडी कोई और नहीं बल्कि मैरी फिल्टन थी। कौन थी? मैरी फिल्टन। और 53 एंड 54, बहुत अच्छे बच्चों, 53 एंड 54 किसको उन्होंने डेडिकेट की थी?
एग्जैक्टली मैरी फिल्टन, करेक्ट बात है सरिता, रवीश बहुत अच्छे। एग्जैक्टली लव गॉड क्यूपिड को, लव गॉड क्यूपिड को इन्होंने डेडिकेट की थी 53-54। बाकी 53-54 में वो डार्क लेडी से छुटकारा पाने की बात सोचते हैं, लेकिन हम इनको अगर बाइफरकेट करेंगे तो बच्चों ऐसे करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस? बच्चों शेक्सपियर का जो वर्क है वीनस एंड एडोनिस, जो कब आया था? 1593 में, जब थिएटर्स क्लोज थे। किस वजह से क्लोज थे? जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लेग। ये बच्चों प्लेग की वजह से बंद थे। तो क्या ये कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, नैरेटिव पोएम है, या बच्चों रोमांस है? एग्जैक्टली इट्स अ नैरेटिव पोएम। ये बच्चों हमारी एक नैरेटिव पोएम बनेगी, ठीक है जी। और वो भी कैसी बच्चों? लॉन्ग नैरेटिव पोएम हम इसको कहते हैं, लॉन्ग नैरेटिव, यानी कि इसको एक कहानी के रूप में बताया गया है। इट हैज बीन टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑफ अ स्टोरी। सब अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। कहता है 5 में, टू हुम डिड शेक्सपियर डेडिकेट हिज फर्स्ट नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस? ये बच्चों जो पहली पोएम थी इनकी वीनस एंड एडोनिस, जो कि लॉन्ग नैरेटिव है, किसको? वो क्वीन एलिजाबेथ को, जेम्स फर्स्ट को, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, या बच्चों बेन जॉनसन को? एग्जैक्टली बच्चों इट वॉज सी, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। तो इन्होंने अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को बेसिकली ये डेडिकेट की थी। अच्छा बताओ नाम क्या था बच्चों इसका, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन का नाम क्या था? अगर आपसे नाम पूछा जाए तो बच्चों नाम था हेनरी रियोसले। करेक्ट बच्चों, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। चेतन, श्वेता बहुत अच्छे, मीनू, अंकिता, माधवी, आरुष, तो ये हेनरी रियोसले था, बिल्कुल ठीक है एंजेल। अगले क्वेश्चन पे बच्चों आएंगे। हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो? एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फेदर्स। और मैं बता दूं ये बच्चों सबसे पहला एक कमेंट था, या हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट था, बल्कि कमेंट ही था, क्रिटिसिज्म था, जो बताता है कि ही वॉज इन्वॉल्व इन द थिएटर। बिल्कुल सही बच्चों, इट इज रॉबर्ट, रॉबर्ट ग्रीन था बच्चों, डी रॉबर्ट ग्रीन। तो रॉबर्ट ग्रीन ने बेसिकली इन पे हमला किया था, और वो भी कैसे, वर्ड्स में। तो इट वॉज रॉबर्ट ग्रीन हु सेड हिम एन अप स्टार्ट क्रो। अप स्टार्ट का मीन्स बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, न्यू कॉमर, नया नया, नया नवेला, एक नया नवेला कौआ है जो ब्यूटिफाइड है हमारे फैदर से और हमको बाईपास करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 7 नंबर पे हम बात करेंगे। हु रोट द मेलिशियस? देखो पहली बात क्या लिखी यहाँ पे, मेलिशियस पैम्पलेट एंटाइटल्ड अ ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट बोट विद अ मिलियन ऑफ रेपेंटेंस अगेंस्ट शेक्सपियर। तो बच्चों ये पर्टिकुलर किसने लिखी थी, क्वेश्चन ये बनता है आपका। तो सब बच्चे बताएं ये बेसिकली बच्चों किसने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों क्या देखेंगे, बहुत अच्छी, इट वॉज अगेन रॉबर्ट ग्रीन। ये भी बच्चों रॉबर्ट ग्रीन थे, इट वॉज रॉबर्ट ग्रीन, तो आंसर हमारा ए जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु रिडिकल्ड, किसने रिडिकल किया, किसको रिडिकल किया बच्चों, शेक्सपियर को, कैसे? सेइंग दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, मार्लो ने, बेन जॉनसन ने, स्पेंसर ने, या बच्चों सिडनी ने? आंसर कीजिए सब लोग। हु मेड दिस पॉइंट? बिल्कुल करेक्ट बच्चों, फैंटास्टिक, इट वॉज बेन जॉनसन। सभी बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि फैक्चुअली आप बहुत स्ट्रोंग हो रहे हैं। अच्छा ठीक है अर्चना, इट्स ओके गुड। तो बच्चों आंसर हमारा बी बनेगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हु सेड, किसने कहा बच्चों, क्या कहा? शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज, सिर्फ हीरोइंस है उनके पास में, हीरोज तो है ही नहीं। जी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, इट वॉज बच्चों रस्किन। तो ये रस्किन की बात थी, ठीक है जी।
तो इट वॉज रस्किन हु सेड ओनली हीरोज नो हीरोइंस। अब देखो 10 नंबर पे आता है कि ड्राइडन्स प्ले ऑल फॉर लव। अगर बच्चों हम रेस्टोरेशन पीरियड में जाएं, हम ड्राइडन की बात करें तो उनका जो वर्क था ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द शेक्सपियर प्लेज। ये बच्चों कौन सा प्ले था शेक्सपियर का जिसपे ड्राइडन का ऑल फॉर लव पूरी तरह से बेस्ड था? जी माधवी बिल्कुल ठीक है युक्ता, ओके गुड। अर्चना भी आप कह रहे हैं एंटर इन के लिए पात्रा, बहुत अच्छे बच्चों। सरिता तलत स्वाति अंकिता वेरी गुड, ये बच्चों एंटनी एंड क्लियोपात्रा है। बट एक डिफरेंस बनता है यहाँ पे, एंटनी एंड क्लियोपात्रा बच्चों इनका लॉन्ग प्ले है, एक बढ़िया प्ले है, जबरदस्त प्ले है अपने आप में। और ये बच्चों एक ट्रेजेडी है। ये क्या है? एक ट्रेजेडी। मैं आपको बता दूं, इट वॉज रिटन आफ्टर द कॉम्प्लीशन ऑफ द जूलियस सीजर। ये बच्चों जूलियस सीजर के जस्ट बाद की कहानी है। इसका मतलब कि जूलियस सीजर कैसा वर्क था? रोमन प्ले, तो ये भी एक रोमन प्ले है। यही पे यही एंटनी है, वो जो लास्ट में भाषण देता है, ए रोमन्स कंट्री मैन आई हैव कम टू, है ना, वो वाला एंटनी है। लेकिन जरा ध्यान से देखो कि ये जो ऑल फॉर लव लिखा गया था बाई ड्राइडन, इस वर्क में बच्चों हम लास्ट के फ्यू आवर्स पे, लास्ट फ्यू आवर्स जहां पे दोनों की डेथ होती है उस पे बेस्ड है ऑल फॉर लव, ना कि कंप्लीट उसके वर्क को बताता है। 1609 श्वेता आप इसमें बेटा क्या कहना चाह रहे हैं 1629 में? अगला वर्क देखो बच्चों, द फ्रेज कौन सी है? व्हाट इज इन अ नेम अकर सेन। ये बच्चों कहां पे अकर होती है? ओथेलो में, हैमलेट में, रोमियो एंड जूलियट में, या बच्चों जूलियस सीजर में? एग्जैक्टली इट इज रोमियो एंड जूलियट। जब उसे बताती है जो नर्स है, बताती है कि भाई उसका नाम तुम्हें पता है क्या है? ही इज हाँ बताओ, वो बच्चों कैपुलेट है या फिर कुछ और है? बिल्कुल सही बात है, आपको सिर्फ ये बताना है कि रोमियो एंड जूलियट बेसिकली दोनों क्या क्या है। कैपुलेट कौन सा है? कॉन्फिडेंटली, ओके। और मोंटेग कौन सा? मोंटेग है, बहुत अच्छे। तो बच्चों को मोंटेग है, और ये पूरी की पूरी बात है मोंटेग और कैपुलेट फैमिली पे बेस्ड, क्योंकि उनके बीच में लॉन्ग फ्यूड है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 12 नंबर पे। 12 नंबर कहता है द टाइटल ऑफ द नॉवेल द साउंड एंड द फ्यूरी रिमाइंड्स अस द शेक्सपियर्स। बच्चों जो साउंड एंड फ्यूरी है, इसका टाइटल, जो नॉवेल का टाइटल है, ये किसको रिमाइंड करता है? शेक्सपियर के किस वर्क को? हैमलेट को, ओथेलो को, किंग लियर को, या बच्चों मैकबेथ को? मैकबेथ, बहुत अच्छे। अब ये बताओ बच्चों, ये जो नॉवेल लिखा था साउंड एंड द फ्यूरी, लिखा किसने था? हु हैड रिटन दिस? जी अर्चना इसको ठीक करेंगे बेटा, मैकबेथ है, ओके बच्चों। सरिता ठीक करोगे, राइट बच्चों, विलियम फॉकनर। इट वॉज विलियम फॉकनर। तो बच्चों हम विलियम फॉकनर को यहां पे लेंगे, उन्होंने ही मैकबेथ से टाइटल लिया था और इसको लिखा था द साउंड एंड द फ्यूरी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऑल्डस हक्सले टुक द हिंट फॉर द टाइटल ऑफ द नॉवेल ब्रेवो न्यू वर्ल्ड। ओल्डस हक्सले का बच्चों एक नॉवेल है जिसका नाम है ब्रेवो न्यू वर्ल्ड। ये शेक्सपियर के किस वर्क से लिया था? टेम्पेस्ट से, विंटर्स टेल से, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, या बच्चों एंटनी एंड क्लियोपात्रा? एग्जैक्टली ये बच्चों यहां पे किसने लिखा था? ये टेम्पेस्ट में से लिया गया। अच्छा ये बताओ इस बात को, ये जो ब्रेवो न्यू वर्ल्ड है बच्चों कौन बोलता है? हु स्टेट्स दिस लाइन? ये लाइन प्यारे बच्चों किसने बोली? राइट, वेरी गुड, मिरांडा। इट वॉज मिरांडा। मिरांडा बच्चों किसकी बेटी थी? प्रोस्पेरो की। एंड शी इज द हीरोइन ऑफ दिस वर्क। शी इज द हीरोइन ऑफ दिस वर्क। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। और क्वेश्चन है 14 नंबर हमारा, शेक्सपियर्स किंग लियर वॉज गिवन अ हैप्पी एंडिंग बाय वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेराइट्स। कौन है बच्चों वो प्लेराइट जिसने शेक्सपियर के किंग लियर को हैप्पी एंडिंग देके खत्म किया था? नाहम टेटे, वेरी गुड। और बच्चों मैं आपको बता दूं, नाहम टेटे बेसिकली क्या है? एक थे हमारे
पोएट लॉरिएट, ये बच्चों पोएट लॉरिएट थे, देखो कितने बड़ी पद पे थे। इन्होंने क्या किया था, जो कॉर्डेलिया है उसकी शादी किससे करा दी थी, ये जो कौन था, किंग ऑफ फ्रांस से, और पूरी की पूरी बात को वहां पे हैप्पी एंडिंग के साथ में पूरा कर दिया था। तो वहां पे बच्चों मरता कोई नहीं है, सबके सबकी वेडिंग हो जाती है। हाँ एडगर, किंग ऑफ फ्रांस या बच्चों एडगर दोनों सेम ही है। ठीक है जी, अगला देखो बच्चों 15 नंबर पे, हु हैज रिटन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। कल बच्चों आपने देखा था इस इंफॉर्मेशन को, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसने लिखे, रॉजर ने, लव पीकॉक ने, लैम्ब ने, या बच्चों क्लेयर ने। चार्ल्स लैम, श्वेता, बहुत अच्छे बच्चों, अर्चना, मीनू, तलत, राधा, अंकिता, बहुत अच्छे, एंजल, सरिता, स्वाति, वंदना, बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं सब बच्चे। तो ये चार्ल्स लैम, उनकी सिस्टर मैरी लैम, इन दोनों ने। और बच्चों ये टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर बेसिकली क्या थी, चिल्ड्रन का वर्क था। ये कैसा वर्क था, इट वॉज द वर्क फॉर द चिल्ड्रन। अगले क्वेश्चन को देखो बच्चों 16 नंबर पे आ जाओ, इन विच प्ले डज शेक्सपियर अटैक द प्योरिटन्स। शेक्सपियर कौन से प्ले में प्योरिटन्स पे अटैक करते हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, या बच्चों मच एडो अबाउट नथिंग। ये बढ़िया सा क्वेश्चन बन गया आपका, क्योंकि इसे जो जानते हैं वही बच्चे। अरे वाह, ये तो सभी बताते जा रहे हैं, मीनू, वसुंधरा, राहुल ने डी बता दिया है, ठीक है एंजेल। ये बच्चों ट्वेल्थ नाइट बनेगा आपका, एम आई राइट और नॉट। देखो इसकी इसकी कहानी को समझ लेते हैं, एक्चुअली हुआ क्या था वहां पे, बच्चों ध्यान से देखो। जी बिल्कुल ठीक है माधवी, रबीश, बहुत अच्छे, एंजल, स्वाति, सरिता, करेक्ट बात। बच्चों एक्चुअली क्या हुआ था कि यहाँ पे जो मालवोलियो है, बताओ मालवोलियो कौन है, ये एक नौकर है, मालवोलियो इज द नौकर, ये बच्चों नौकर है वहां, किसका नौकर है, ये ओलिविया का। अब ओलिविया के घर में अंकल टोबी रहते हैं एक तो, और अंकल टोबी के साथ में बच्चों कौन आया, एंड्रूस, एंड्रूस था क्या नाम था उसका, कुछ ऐसे ही करके था, एंड्रूस टाइप, मिस्टर एंड्रूस या समथिंग। अब ये दोनों जब पी के धमाल करते हैं, इसका मतलब पीने वाले धमाल करने वाले कौन बन गए, मेटेरियलिस्टिक हैं। तो बच्चों ये मेटीरियलिस्टिक है, ये कौन है, मेटेरियलिस्टिक। तो इनको मालवोलियो मना करता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मालवोलियो के मना करने से तो मालवोलियो कैसा हो गया, यानी कि प्योरिटन है, ये बच्चों कैसा है, प्योरिटन है। तो ये दोनों क्या करते हैं, मारिया के साथ मिलके मालवोलियो के लव लेटर को, ओलिविया के लव लेटर बनवा के इसके सामने डाल देते हैं, और इसको कहते हैं कि तुम्हें वो लाइक करती है। इसके बाद में इस हरकत की वजह से ये मालवोलियो कहाँ पहुंच जाता है बच्चों, एक रूम में क्लोज कर दिया जाता है, कन्फाइंड कर दिया जाता है। तो फिर ये उसको जाके हंसते हैं, इवन फेस्टी भी जाके हंसता है, फेस्टिव से पूछता है कि मजा आया ज्यादा प्योरिटन बनने का। तो इसीलिए बच्चों ट्वेल्थ नाइट में प्योरिटन्स को शेक्सपियर ने अटैक किया है एक तरह से, इसका मतलब एक और समझ रहे हो, प्योरिटन का मतलब किससे है, प्योरिटन का मतलब है बच्चों हमारे मिल्टन भी प्योरिटन थे। मिल्टन कौन थे, वो जो प्रोटेस्टेंट प्योरिटन थे, वो एक्चुअली कैथोलिक में या फिर हम कहें मोनार्कल सिस्टम में पूरी तरह से चेंज चाहते थे, लेकिन ये चेंज बना नहीं, और बना भी तो कैसे बना, कॉमनवेल्थ के थ्रू। लेकिन शेक्सपियर लगातार क्या करते रहे बच्चों, वो मोनार्कल सिस्टम के साथ रहे, उन्होंने कभी भी साहस नहीं किया कि वो इसके खिलाफ बोल पाए या प्योरिटन बन पाए। समझ पा रहे हैं सब बच्चे, हाँ उन्होंने रिवेंज लिया था श्वेता मालवोलियो से। अब देखो बच्चों कितना बढ़िया सेंटेंस आता है, एज कैन नॉट वीदर हर नोर कस्टम स्टील, अबाउट हुम आर दीज लाइंस स्पोकन, डेस्डिमोना, कॉर्डेलिया, क्लियोपात्रा, मिरांडा। स्वाति ने आंसर भी कर दिया है बी, कॉर्डेलिया, नहीं नहीं क्लियोपात्रा है, बहुत अच्छे बच्चों सी आंसर बनेगा। अच्छा ये मुझे याद नहीं आ रहा है बच्चों, इसे कहता कौन है, हु सेज दिस लाइंस, इसे इनॉर्बस, बहुत अच्छे मीनू, नाउ यू आर टर्निंग इनटू गुड गर्ल। तो बच्चों इसे इनॉर्बस कहता है, इनॉर्बस कौन है, ही इज द फ्रेंड ऑफ, He is the friend of Antony. हाँ supporter भी है friend भी है, बिल्कुल ठीक है श्वेता। तो ये बच्चों इनारबस है, ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाता है। इमोजिन इज द हीरोइन ऑफ, बताओ बच्चों इमोजिन को आप कहाँ पे पाते हो, सिम्बेलियन में, पेरिकल्स में, विंटर्स टेल में, या फिर टेम्पेस्ट में।
सब बच्चे मुझे बताएंगे कि आप इमोजेन को कहां पे पाते हो, वेयर डू यू फाइंड इमोजेन। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है बच्चों, 18। एग्जैक्टली बच्चों, इट इज सिंबेलिन। तो सिंबेलिन की जो हीरोइन है वो इमोजेन है। तो हीरोइन ऑफ सिंबेलिन इज द इमोजेन। पकड़ पा रहे हैं सब बच्चे? जी बिल्कुल सही है बच्चों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है 19। हु इज द ऑथर ऑफ द क्रिटिकल वर्क शेक्सपियर सोनेट्स रिकंसीडर्ड। क्या है बच्चों, क्रिटिकल वर्क है मतलब इसमें क्रिटिसिज्म हुआ है, शेक्सपियर सोनेट्स रिकंसीडर। क्या ये बटलर हैं, ऑडेन हैं, लैम्ब हैं या बच्चों ईएम फॉरस्टर हैं, बताइए। बटलर बच्चों, बहुत अच्छे। नेहा, एंजल, कार्गी, राहुल, बहुत अच्छे। रवीश, माधवी, वंदना, गुड बच्चों। ये सैमुअल बटलर थे, आपको याद है ना कल हमने देखा था बटलर कहां पे थे। अच्छा बताओ बटलर कौन सी लाइन में आते हैं, कौन सी एज में आते हैं? सैमुअल बटलर बच्चों कौन सी एज में आते हैं? रेस्टोरेशन में, है ना। रेस्टोरेशन में आपने देखा था सबसे ऊपर पे ड्राइडन है, उनको बटर वो भी थी होब्स, और वो भी क्या खाने की, बटर। फिर लोक में रखते थे जॉन लॉक। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, हु इज द ऑथर ऑफ प्रीफेस टू शेक्सपियर। बच्चों प्रीफेस टू शेक्सपियर किसने लिखी थी, मैथ्यू आर्नोल्ड, बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, हैजलिट या बच्चों कॉलरिज। एग्जैक्टली बच्चों, डॉक्टर जॉनसन, क्या बात है, आज बच्चों ने दिल खुश कर दिया है, बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं आप लोग। तो प्रीफे सॉरी सॉरी सॉरी, हमने डॉक्टर जॉनसन कर दिया, इसको सही बताओ बच्चों क्या बनेगा, एक मिनट इसको रोकते हैं, आंसर को रोकते हैं, इट्स नॉट डॉक्टर जॉनसन, बताइए आंसर क्या बनेगा। कल ये फैक्ट बच्चों आपको बताया गया था इसी क्लास में, यस्टरडे वी हैड गॉन थ्रू दिस फैक्ट। ये बच्चों डॉक्टर जॉनसन ही है, मतलब देखो कितने पास पास है, हेजलिट भी लग रहा है, कॉलरिज भी, क्योंकि सभी ने कमेंट किए हैं, सभी ने कुछ ना कुछ लिखा है, लेकिन ये बच्चों डॉक्टर जॉनसन है, जिसको हम सैमुअल जॉनसन कहते हैं। हाँ बिल्कुल करेक्ट बात है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ बच्चों। 21 कहता है, हु हैज रिटन द क्रिटिकल बुक कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियरियन प्लेज। तो वर्क क्या है बच्चों हमारा, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियरियन प्लेज, ये किसने लिखा था? क्या ये हमारे एडिशन है, कॉलरिज है, हेजलिट है या बच्चों आर्नोल्ड है? एग्जैक्टली, इट इज विलियम हेजलिट। और हेजलिट का आपको याद होगा कि हेजलिट बेसिकली किसमें आते हैं बच्चों, रोमांटिक एज में, है ना, रोमांटिक एज में। चार्ल्स लैम है, हेजलिट है, जेन ब्रिकोटिक है। अगला बच्चों देखो 22, क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करते हैं। नेम द प्ले इन विच द हीरो डाइज एट द एंड ऑफ द फोर्थ एक्ट बट द प्ले कंटिन्यूज टू द फिफ्थ एक्ट। कौन सा ऐसा प्ले था जिसमें फोर्थ एक्ट में बच्चों डाई हो जाता है हीरो वहां पे, लेकिन पांचवें एक्ट तक वो लगातार जारी रहता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया है, ऐसे क्वेश्चन बच्चों आप कम ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। सी डी या बी, मैक्सिमम बच्चे इसको कोरियोलिस कह रहे हैं। एग्जैक्टली, ये बच्चों कोरियोलिस है। एंटोनी क्लियोपात्रा में तो लास्ट में होता है कि दोनों ही, दोनों का ही एंड हो जाता है। एक मिनट
पहले बच्चों किसका किसकी डेथ होती है, पहले डेथ होती है यहाँ पे हीरो की यानी एंटनी की, और फिर एंटनी लास्ट में मरता है क्लियोपात्रा की बाहों में। तो क्यों ना इसका आंसर डी हो, व्हाई शुड नॉट बी द आंसर द डी एंटनी एंड क्लियोपात्रा, क्योंकि पहले बच्चों कौन मरता है एंटनी और फिर किसकी डेथ होती है क्लियोपात्रा की। रिचार्ड द सेकेंड, देखो बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके करेंगे वैसे इसका जो आंसर है वो डी है, एंटनी एंड क्लियोपात्रा, फाइनल आंसर इज द डी। तो इसको सर्च करेंगे और फिर इसको चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, नेम द प्ले इन विच हीरो एंड हीरोइन डाइड टुगेदर, एक साथ मरते हैं, एंटनी एंड क्लियोपात्रा, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट या बच्चों मैकबेथ। हाँ जी बचाओ बच्चों कौन सा है, एग्जैक्टली इट इज सी, दोनों साथ साथ मरते हैं, रोमियो एंड जूलियट, करेक्ट बच्चों। अगले क्वेश्चन में देखेंगे 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोमन प्ले, इनमें से बच्चों कौन सा रोमन प्ले नहीं है, एंटनी एंड क्लियोपात्रा, कोरिओलिस, टाइटस एंड्रोनिकस या बच्चों टाइमन ऑफ एथेंस। डी आंसर है बच्चों टाइमन ऑफ एथेंस, टाइमन ऑफ एथेंस इज नॉट अ रोमन प्ले, बाकी तीनों रोमन प्ले। अब देखो 25 में लिखा है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, इन विच प्ले डज दिस लाइन अपीयर, रोमियो एंड जूलियट, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट या बच्चों मर्चेंट ऑफ वेनिस। सब लोग बताएंगे स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये बच्चों हमारी लाइन कहां पे अपीयर होती है। बहुत अच्छे बच्चों ये लाइन ड्यूक सीनियर एज यू लाइक इट में कहते हैं, कौन कहते हैं हमारे ड्यूक सीनियर, तो ये बच्चों ड्यूक सीनियर कहते हैं किस वर्क में, एज यू लाइक इट में, ठीक है जी। क्या सबको समझ में आ गया बच्चों, एज यू लाइक इट, देन बच्चों तो आंसर हमारा बी बनेगा जी। तो बच्चों देखो आज ये हमारे थे 25 क्वेश्चंस, आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे इस पर्टिकुलर अपनी सीरीज में, कल फिर मिलेंगे कमिंग क्लास में फिर मिलेंगे, कोशिश करेंगे कि एवरीडे हम मिलते रहें, किसी दिन नहीं मिलेंगे तो मैसेज आपके पास नहीं होगा, अदरवाइज तो बच्चों जैसे ही मैसेज आपके पास पहुंचेगा आप उसको ज्वाइन कर लें, ऐसी हम कोशिश करते रहेंगे। सो होप कि सब बच्चों ने इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक किया है, ठीक है बच्चों, तो आप सब बच्चे अपना वर्क करें, इन क्वेश्चंस को बढ़िया से तैयार करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, ओके बच्चों बाय बाय।